हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब? अच्छे होंगे। अच्छा होना अच्छी बात है। ये देखिए, मैं जा रही हूँ, मॉर्निंग टाइम है, मैं जा रही हूँ कॉशर। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मौसम इस तरह का था, देखिए आप, अब तो मौसम साफ होने लगा है, मतलब बारिश कम होने लगी है, तो मौसम साफ है। अब घास काटने की बारी आ रही है, तो अब तो ऐसे ही मौसम चाहिए। फिर आगे मैं कौशल से ऊपर, और मैंने रात को ये पनीर बना के रखा था, और साथ में पी रही हूँ गर्म पानी। और देखिए, मैं चाय नहीं पीती, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गर्म पानी है, और साथ में पनीर कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा पनीर हो गया था, और मैंने साथ में गैस के ऊपर पानी रखा था गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंड होने लगी है। तो अब मैं यहाँ पे मक्खन बना रही हूँ, तो ठंड की वजह से ना मक्खन नहीं बन पाता है, इसलिए इसमें गर्म पानी डालना पड़ता है। मैंने गर्म पानी डाल दिया, और देखिए मैंने लगा दिए, तो इस तरह से। और देखिए आप, अब काट रही हूँ मैं प्याज, और जो भी इसका रहता है सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे टमाटर थे, ये मेरा पनीर था, थोड़ा सा था। और अंशु को आजकल स्कूल जाना पड़ता है, तो जल्दी करना पड़ता है, और अंशु 9 बजे स्कूल चली जाती है, 9 बजे के लिए फ्री होने चाहिए, मतलब फ्री क्या, खाना पानी सब कुछ चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अंशु को फिर जाना होता है। और साथ में ये कर रही हूँ मैं, लहसुन की फलियों का छिलका निकाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको कूट लूँगी अलग से। इसके लिए मैंने प्याज काट लिया था, धनिया काट लिया, हरी पत्तियाँ सब कुछ, और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने को डाल दिया था, यही डाल दिया मैंने सूखा मसाला जो भी रहता है मेरा। तो ये मैंने प्याज डाल दी, और इसको भुनने तक हम इंतज़ार करेंगे, और थोड़ी देर। और ये देखिए, ये थोड़ा सा पनीर था, मैंने वहाँ देख ही रखा है, आपको दिख रहा है। तो अब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट और प्याज भी डाल दिया है। मुझे उतने अच्छी तरह से खाना तो नहीं आता बनाना, पर जो भी मैं बनाती हूँ करती हूँ वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने हल्दी और ये नमक ऐड कर दिया है। ये देखिए, पनीर भी ऐड कर दिया है मैंने, मतलब टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। आप ना वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा नहीं बोलूँगी तो 2-3 मिनट तो कर सकते हैं, ताकि मेरा फ़ायदा भी हो जाए। अब देखिए, मैं बना रही हूँ चपातियाँ, किस तरह से बनाती हूँ मैं। चकले चकले बेलन के ऊपर, चकला बेलन नहीं आता मेरे को बेलन चलाना, और मैं किस तरह से चलाती हूँ देखिए आप भी। और शायद आपने पहले में ही देखी होनी कि किस तरह से चलाती हूँ। और फिर खाना पानी होके अंशु चले गई थी स्कूल, और मैं चली गई थी घास को, और बेटा यहीं पे था। बेटे का थोड़ा सा लर्निंग का था, मतलब याद करने को था, तो मैंने बोला तू याद कर ले। ये देखिए, इस तरह का हो गया कोदा, दिखाती रहती हूँ आती जाती बार, जब भी कभी जाती हूँ तो आपको दिखाती रहती हूँ, देखिए आप भी। और बहुत ही प्यारा सा खेत लग रहा है, सच्ची बोलूँ तो ये सारी कुछ मच्छी है। और देखिए, मैं आपको क्या बोलते हैं, दाल दिखा रही हूँ, दाल की फलियाँ देखिए कितनी लंबी लंबी थी, बहुत सारी है इसमें। सच्ची में कब तक तैयार होंगी पता नहीं, वो देखिए उतने सारे हैं 2-3 खेत में, तो इसमें ना पूरे में इतनी सारी फलियाँ लगी हैं। ये मेरे खुद की है, मैं बगीचे साइड चली गई थी ना, मेरी भी ऐसे ही लगी है, पता नहीं कब तक तैयार होंगी, ठंड होने लगी है तो ये पता नहीं। तो ये तो अभी सब्जी लाई की है जैसे फलियाँ, और देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी छलियाँ निकाली थी, और फिर आगे मैं घर घर में आज कर रही हूँ मैं स्पेशल काम, क्योंकि ये सर्दी होने लगी है शुरू, और
मैं ना अपनी सास के लिए बना रही हूँ, अपने लिए नहीं बना रही हूँ। पीछे का मैंने स्टार्ट करके रखा था, फिर दिल ही नहीं किया बनाने को। अभी मैं थोड़ा थोड़ा जब बैठती हूँ बना लेती हूँ। और हम चले गए थे जंगल, ये देखिए अंशु और मैं काट रही हूँ घास। अंशु ना चिलारा इकट्ठा कर रही है जहाँ जहाँ मैं घास काट रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चिलारा था। तो अंशु अंशु काट रही है। और ये हमारी रस्सियाँ हैं, यहाँ से हम नीचे को गए थे। चील का जंगल है। और ये मेरा घास हो गया था, इन बच्चों ने घास लाया था और मैंने लाया था चिलारा। तो देखिए सामने का व्यू, डांक भी बहुत दिख रहा है, मतलब आपको उतना नहीं है, है तो है पर उतना नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए अंशु स्कूल से आजकल आ जाते हैं ऐसे अभी फिलहाल है। और ये देखिए मैंने डाल दिया था यहाँ पे तेल गरम होने को, मैं बना रही हूँ कड़ी, आप भी देखिए। और मैंने दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, वो मैंने दाल आपके साथ शेयर नहीं की है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जो मेरे चैनल में न्यू हो। तो ये देखिए आप, इस तरह से मैंने कड़ी बनाई थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहीं पे मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। मिलती हूँ आपके साथ दूसरे ब्लॉग के साथ, मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।